देख पाओगे हीरो जूम एक्सटेक का टॉप मॉडल है और ये स्पेशल अपडेट के साथ आता है। आई थिंक आप देख पाओगे इथेनॉल 20 एंड OBD2 अपडेट के साथ आता है। जो एच सेप जो लाइट लग रहा है आई थिंक आप देख पाओगे वीडियो फ्रेम में कितना ही सुंदर लग रहा है। चलने के मामले में हीरो जूम का जो गियरबॉक्स है CVT वाला वो थोड़ा सा लो एंड सेंट्रिक के लिए बनाया गया, मतलब लो एंड सेंट्रिक वाला स्कूटी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मेरे सामने देख पाओगे एक बहुत ही अच्छा बाइक है या बहुत ही अच्छा स्कूटर इनटू द सेगमेंट ऑफ 110 cc, वो है हीरो जूम एक्सटेक। तो यहाँ पे देख पाओगे हीरो जूम एक्सटेक का टॉप मॉडल है और ये स्पेशल अपडेट के साथ आता है। आई थिंक आप देख पाओगे इथेनॉल 20 एंड OBD2 अपडेट के साथ आता है। तो इसका इथेनॉल 20 वाला स्टिकर फ्यूल टैंक कैपेसिटी में नहीं, बॉडी फियरिंग का अंदर पे है। तो ये है हीरो जूम का टॉप मॉडल, वो है ZX। तो हीरो जूम का ZX ब्लैक कलर वाला मॉडल है एंड ये टॉप मॉडल है। इसका स्पेशल अपडेट आ चुका है इथेनॉल 20 विथ OBD2 आई थिंक आप देख पाओगे। तो ये वाला ब्लैक वाला कलर है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही मैं आपको आज को बताऊंगा कि हीरो जूम कैसा गाड़ी है, 110 सीसी में इसका मेन राइवल क्या है, इसका मेन कॉम्पिटिटर क्या है, तो राइवल्स के साथ इसमें क्या फीचर्स अच्छा आता है या क्या राइवल्स को टक्कर दे पाएगा कि नहीं। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलता रहे। एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा भाई, थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेटअप पे। और चलो सबसे पहले लुक्स के बारे में बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प के तरफ से ये जो जूम एक्सटेक आता है, देखो बॉडी पैनल पे जो जूम एक्सटेक लिखा है आई थिंक आप देख पाओगे। तो ये टॉप मॉडल है, इसका तीन वेरिएंट आता है। तो ये ZX है टॉप मॉडल, तो एक आता है LX, VX, ZX, तो ये टॉप मॉडल है। एंड यहाँ पे देख पाओगे फ्रंट से भी लुक कितना शानदार लग रहा है भाई। लुक के मामले में मुझे आई थिंक कुछ बोलना नहीं है, और स्पेशली फ्रंट में जो एच सेप जो लाइट लग रहा है आई थिंक आप देख पाओगे वीडियो फ्रेम में कितना ही सुंदर लग रहा है। और इसमें आपको ट्विन प्रोजेक्टर सेटअप भी देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको मिलेगा देखने को कॉर्नरिंग बेंडिंग लाइट्स। यहाँ पे देख पाओगे ये इंडिकेटर नहीं है भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कॉर्नरिंग बेंडिंग लाइट है, मतलब इसमें एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है। मान लो जैसे जैसे गाड़ी 60 या 70 डिग्री का लीन एंगल पे आएगा वैसे ही इधर वाला लाइट जल जाएगा। मान लो अगर आपने लेफ्ट की तरफ गाड़ी को झुकाए हैं तो लेफ्ट वाला कॉर्नरिंग बेंडिंग लाइट जलेगा, अगर आपने राइट वाला राइट की तरफ झुकाए हो तो राइट वाला कॉर्नरिंग बेंडिंग लाइट मिलेगा। एंड फ्रंट के मामले से भाई लुक देखो जबरदस्त लग रहा है, पूरा बोले तो यूथफुल और बहुत ही क्लासी लुक लग रहा है। आई थिंक आप फ्रंट से देख पाओगे जो एच सेप का जो LED DRL है आई थिंक आप देख पाओगे कितना ही सुंदर लग रहा है देखने में, और ब्लैक कलर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एंड आई थिंक मैंने फ्रंट का लुक बता दिया है। एंड पीछे पोर्शन में आता है तो पीछे पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा जूम एक्सटेक का ब्रांडिंग एंड सीट का हाइट भी है नियर अबाउट 773 mm का सीट हाइट मिलेगा जो कि सही है, एफिशिएंट है। एंड पीछे का भी लुक देखो भाई, पीछे में भी आपको एक्स टाइप का आई थिंक कुछ देखने को मिलेगा, जो LED DRL लाइट है, मतलब पीछे वाला जो बैकलेट लाइट है वो भी एक्स का लुक में देखने को मिला जो कि ज़बरदस्त है। एंड ये इकलौता ऐसा बाइक है, ये इकलौता ऐसा स्कूटर है इनटू द 110 सीसी सेगमेंट जिसमें भाई आपको पूरा फ्लेक्सिबल इंडिकेटर देखने को मिलेगा। आई थिंक देख रहा हूँ हीरो मोटोकॉर्प का पहला इतना अच्छा स्कूटर है या 110 सीसी का इकलौता ऐसा स्कूटर है जिसमें आपको यहाँ पर देखो इतना फ्लेक्सिबल बाइक जैसा इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। लेकिन एटलीस्ट ये टॉप मॉडल हो तो यहाँ पर LED होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बल्ब दिया गया तो हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक ही है। एंड फ्रंट वाला जो इंडिकेटर है भाई वो आपको फियरिंग के ऊपर देखने को मिलेगा, मतलब हैंडल बार के नीचे आई थिंक आप देख पाओगे, तो ये वाला पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो लुक के मामले में भाई एनी डे एनी टाइम जूम एक्सटेक द बेस्ट लुकिंग स्कूटर इनटू द सेगमेंट ऑफ 110 सीसी है भाई, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। एंड फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, आई थिंक आप देख पाओगे विद BS6 का जो Stage 2 कंप्लाइंट इंजन है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर जरूर से देखने को मिलेगा। एंड फ्रंट वाला टायर है 12 inches का विद डायमंड कट एलॉयज, आई थिंक आप देख पाओगे एलॉयज में ये जो मार्किंग है इसको डायमंड कट एलॉयज बोलता है। एंड तो और सामने वाला टायर है 12 inches का, तो देखो 90x90 12 inches का टायर विद डायमंड कट एलॉयज। एंड फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा भाई डिस्क ब्रेक, आई थिंक आप देख पाओगे बाइब्री का कैलिपर आपको देखने को मिलेगा। एंड सामने आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, पेटल डिस्क नहीं है, कन्वेंशनल डिस्क है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा है, जबकि ये टॉप मॉडल है तो यहाँ पर रबर बेडेड लाइन यूज़ किया गया, एटलीस्ट स्टील बेडेड लाइन होता तो और बेटर होता, बट हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते, स्कूटर के लिए रबर बेडेड लाइन भी सही रहेगा। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पर डुअल पिस्टन कैलिपर मिला है, बहुत सारा स्कूटर्स में क्या होता है कि सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉपर आपको डुअल पिस्टन कैलिपर मिल रहा है फ्रॉम द हाउस ऑफ बाइब्री। एंड आई थिंक मैंने इधर में सब कुछ दिखाई दिया है, इस पोर्शन से भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक आप इस पोर्शन से भी देख पाओगे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गाड़ी है, यहाँ पे जूम एक्सटेक का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्पेशली ये जो 110 सीसी का स्कूटर है इसका पीछे भी आपको 12 इंचेस का टायर मिलेगा। तो भाई हीरो जूम का बात करें तो जो हीरो जूम का बैक वाला टायर उसमें भी आपको डायमंड कट एलॉयज देखने को मिलेगा। आई थिंक आप एलॉयज का डिज़ाइन देख पाओगे, ये जो व्हाइट एक्शन दिया इसको डायमंड कट एलॉयज बोलते हैं। एंड पीछे वाला टायर 100 सेक्शन का है, तो 100x80 12 इंचेस का टायर, मतलब 100x80 12 इंचेस का टायर आपको देखने को मिलेगा हीरो जूम में। एंड हीरो जूम में जो एग्जॉस्ट निकला है भाई जबरदस्त लग रहा है,
मतलब शॉर्ट स्टबी एग्जॉस्ट है जिसके ऊपर एक सिल्वर का कोटिंग किया गया है प्लास्टिक का, जो कि सही है, हीट रेजिस्टेंस भी रहेगा। एंड यहाँ पे आपको फैन भी देखने को मिलेगा जो क्रैंक के साथ रहता है। एंड यहाँ ये तो BS6H2 है, मतलब OBD2 के साथ आता है। मतलब OBD2 क्या है, जैसे जैसे स्कूटी को आप चलाओगे इसी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, तो स्कूटी में या टू व्हीलर में कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से रेक्टिफाई हो जाएगा। एंड आई थिंक और एक चीज़ देखो, इसका जो पिलियन वाला जो ग्रैब रेल है, देखो कितना अच्छा से डिज़ाइन के साथ नीटली इंटीग्रेटेड किया गया है कि पता ही नहीं लग रहा। देखो ये वाला जो आई थिंक आप देख रहे हो ये मेटल का है, तो ये मेटल का जो पिलियन का जो ग्रैब रेल है वो कितना अच्छा से डिज़ाइन में जा रहा है, पता भी नहीं लग रहा कि इसमें है। तो ये यहाँ से हम लोग इसको आराम से पकड़ सकते हैं, तो ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक मैंने सब कुछ मोरलेस बता ही दिया है। और एक चीज़ मुझे डाउन साइड लगा कि देखो मीटर तो आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा विद ब्लूटूथ, SMS, कॉल अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट। यहाँ पे देखो आई लव माई हीरो, आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर का मार्किंग मिलेगा, फ्यूल कितना कैपेसिटी है, कितना टाइम हो रहा है, वो सब भी आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल किलोमीटर पर लीटर, वो भी आपको दिखा रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टॉप मॉडल है, तो इसमें आपको SMS अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट, कॉल अलर्ट, ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर पाओगे। इसमें आपको i3s टेक्नोलॉजी भी मिलेगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। एंड यहाँ पे स्विच गियर्स का क्वालिटी का बात करें तो स्विच गियर्स का क्वालिटी पहले से बहुत इंप्रूव हुआ है। मतलब हीरो का दूसरा जो भी स्कूटर्स है या दूसरा कोई भी टू व्हीलर है उससे भाई इसका स्विच गियर्स का क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। एंड एक चीज़ मुझे बस डाउन साइड लगा कि इतना कुछ हीरो ने फीचर्स दे दिया, स्पेशली ये जो हीरो जूम है भाई, ये थोड़ा सा लो एंड सेंट्रिक के लिए बनाया गया है। मतलब इसका जो CVT गियर बॉक्स आई थिंक आप देख पाओगे, तो इसका जो CVT गियर बॉक्स है ये थोड़ा सा लो एंड पे के लिए फोकस किया गया है। यहाँ पे देखो कि इसका सस्पेंशन है पीछे वाला, जिसको 5 से 6 टेज तक एडजस्ट कर पाऊंगा अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यहाँ पे आपको हीरो जूम का आपको एयर फिल्टर बॉक्स मिलेगा, और हीरो का नया यहाँ पे केसिंग मिलेगा इंजन काउल के ऊपर, जिसमें आपको किक स्टार्टर भी देखने को मिलता है, एक टायर हगर भी देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा स्पोर्टीनेस को बढ़ाता है, मतलब स्पोर्टीनेस को रिजेंबल करता है। एंड एक चीज़ बोलूँगा, इसका जो गियर बॉक्स है CVT वाला, उसको जो बैक वाला जो XL है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया ताकि ये लो एंड सेंट्रिक स्कूटर बने। मतलब इसका लो एंड पिकअप बहुत शानदार है, आई थिंक आपको पता ही होगा हीरो जूम इज़ नोन फॉर इट्स लो एंड पिकअप, एंड ओनली गाड़ी है जिसका भाई लो एंड पिकअप बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। बस एक चीज़ मुझे डाउन साइड लगा कि इतना अच्छा हीरो ने गाड़ी बना दिया, तो माइस्ट्रो एज डुएट में फ्लेजर में क्या होता है कि यहीं से इग्निशन पॉइंट से मैं इसको ऐसे करता हूँ तो पीछे वाला सीट खुलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड है भाई, मुझे एक पर्सनली की से इसको ऐसे करके खोलना पड़ेगा, तो आई थिंक आप देख पाओगे। तो यहाँ पे एक अच्छा सा डिसेंट सा बूट स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको देखो एक लाइट भी मिलेगा, ठीक है, और सही लगा। यहाँ पे देखो फ्यूल टैंक का जो फिलर कैप है, मतलब फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ कोर्स 5.2 लीटर का है, इसका माइलेज आराम से 45 तक मिलेगा क्योंकि 100 NCC का है। तो लेकिन एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, इसको बाहर दे सकता था लेकिन इसको अंदर दिया गया, तो ये थोड़ा सा अनकन्वीनियंट होगा कस्टमर के लिए, बट ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। तो मोरल लेस जो भी पॉइंट्स था मैंने बता दिया है। हीरो जूम XTEC द टॉप मॉडल फ्रॉम द हाउस ऑफ हीरो। तो चलो इसका टेस्ट साइड लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसमें क्या सब नया फीचर्स मिलता है। हेलो गाइज, वेलकम इन टू द राइड रिव्यू ऑफ हीरो जूम इथेनॉल 20 विथ OBD2, जिसको हीरो ने BS6H2 कंप्लाइंट बना दिया है। चलने के मामले में हीरो जूम का जो गियरबॉक्स है CVT वाला, वो थोड़ा सा लो एंड सेंट्रिक के लिए बनाया गया, मतलब लो एंड सेंट्रिक वाला स्कूटी है। इसमें जैसे ही मैं थ्रॉटल को पुल करता हूँ, आई थिंक आप देख पाओगे, तो मतलब थ्रॉटल पुल करते ही ना गाड़ी मतलब तुरंत पुल कर रहा है। तो इसका जो स्पेशली हीरो जूम का जो ये टॉप मॉडल है, ZX 3 वेरियंट आता है, LX, VX और ZX, तो ये टॉप मॉडल है। तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगा, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट, ये सब आप देख पाओगे, बैटरी हेल्थ भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे स्पीडोमीटर देख पाओगे, यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितना है, मतलब फ्यूल कितना है, आपको टाइम एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ये भी आपको देखने को मिलेगा, आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन चलने के मामले में ज़बरदस्त है भाई इसका। तो भाई मेन राइवल होगा एक्टिवा के साथ, और होगा भाई एक्टिवा 110, और इसका मेन राइवल होगा भाई एक्टिवा ए स्मार्ट और TVS जुपिटर, इसी के साथ इसका मेन राइवल होगा, या बोल सकते हो होंडा का डियो के साथ भी इसका मेन राइवल हो सकता है। सो भाई लो एंड पिकअप जूम का ज़बरदस्त है, मतलब पूरा जूम वाला फीलिंग है, मतलब लगेगा कि हाँ भाई अगर आप सिग्नल पे खड़े हो, अगर आप पूरा थ्रॉटल दे दोगे तो आपको गाड़ी अच्छा खासा पुल करेगा। मतलब 0 to 60 फास्टेस्ट है इन दिस सेगमेंट, ये हीरो भी क्लेम करता है, नियर अबाउट 9 सेकंड्स के अंदर में ये 0 to 60 चला जाता है। 110 CC स्कूटर के लिए बहुत अच्छा नंबर है। तो हाँ एक चीज़ बोलूँगा, बहुत लोगों को लगता है कि भाई हीरो का मोटर, हीरो का जो व्हीकल्स आता है स्पेशली बाइक बोलो स्कूटर्स बोलो, ये उतना रिलायबल नहीं होता है, लेकिन टाइम के साथ हीरो ने बहुत काम किया है अपना इंजन रिलायबिलिटी ड्यूरेबिलिटी को लेके। तो हाँ भाई हीरो का गाड़ी भी बहुत अच्छा मतलब रिलायबल हो गया, ड्यूरेबल हो गया, क्योंकि हीरो मोटर का जो ट्रस्ट है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हीरो का शोरूम बोलो आपको इंडिया में हर एक जगह में देखने को मिलेगा। एंड चलने के मामले में भी गाड़ी बहुत स्मूथ है, एंड ऑफकोर्स BS6H2 कंप्लाइंट इंजन है, तो मुझे कोई फुटबॉक्स वाला एरिया पे जहाँ पे मैं पैर रखा हूँ और हैंडल बार पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, चलने में सही है। एंड स्पेशली मिरर्स का बात करें तो मिरर्स का फिजिलिटी भी ठीक है, मतलब अच्छा खासा फिजिलिटी है। मुझे 20% मेरा शोल्डर दिख रहा है, बाकी 80% मुझे पीछे का व्यू दिख रहा है,
तो चलने के मामले में जूम बहुत सही है भाई, पूरा जूम वाला फीलिंग होगा। इसका जो मेन राइवल है भाई टीवीएस जुपिटर, होंडा एक्टिवा 110 एंड इसका और एक जो मेन कंपैरिजन है वह होंडा डियो के साथ भी है, तो इसी के साथ इसका मेन कंपैरिजन है भाई। एंड चलने के मामले में गाड़ी बहुत स्मूथ लगा मुझे। एंड देखो अगर टर्निंग रेडियस का बात करें तो टर्निंग रेडियस भी ठीक है, क्योंकि भाई हीरो का एक लौता ऐसा स्कूटी है जिसमें भाई आपको दोनों एंड पे 12 इंचेस का टायर मिलेगा, सामने पर 90x90 12 इंचेस एंड पीछे आपको 90x100 12 इंचेस का टायर मिलेगा। एंड इसका जो मेन राइवल है एक्टिवा बोलो तो एक्टिवा में फ्रंट में आपको मिलता है भाई 12 इंचेस का टायर, लेकिन पीछे नहीं मिलेगा। तो बड़ा टायर होने से क्या होता है कि पॉटहोल्स में इजीली निकल पाएगा, मतलब अर्गोनॉमिक्स बेटर होगा, हैंडलिंग अच्छा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होगा, ठीक है, इंजन स्पीड अच्छा पकड़ेगा, मतलब हाई स्पीड में स्टेबल रहेगा क्योंकि दोनों टायर सेम साइज का रहेगा। तो ये सब बात है हीरो जूम का जो प्लस पॉइंट में जाता है। हाँ, और इसका जो मेन राइवल है टीवीएस जुपिटर के साथ, एक चीज़ बोलूँगा, देखो जुपिटर और होंडा एक्टिवा का ना स्टाइलिंग मोर और लेस सेम ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा यूथफुल ओरिएंटेड नहीं लगता है, और एक्टिवा का डिज़ाइन बोलो या जुपिटर का बोलो ये थोड़ा सा मतलब अंकल अंकल वाला फीलिंग आता है, मतलब थोड़ा सा ओल्ड स्कूल डिज़ाइनिंग है, ओल्ड स्कूल स्कूटर है। लेकिन भाई हीरो जूम जो है पूरा एकदम नया गाड़ी है जिसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा फीचर्स मिलेगा। फर्स्ट इन सेगमेंट आपको कॉर्नरिंग बेंडिंग लाइट्स मिलेगा, मतलब एक सेंसर है, मतलब एक्सेलेरोमीटर या प्रॉक्सिमिटी सेंसर है बोल सकते हो, जैसे गाड़ी लीन करेगा टू नियर अबाउट 70-60 डिग्री वैसे ही आपका जिस साइड में आप लीन करोगे राइट या लेफ्ट उस साइड का कॉर्नरिंग बेंडिंग वाला लाइट जल जाएगा, तो रात में आपको देखने में अच्छा होगा। एंड चलने के मामले में तो सही लगा मुझे, गाड़ी बहुत स्मूथ है, तो बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स आता है इसमें, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगा, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट ये सब भी मिलेगा। लेकिन एक्टिवा 7G बोलो या एक्टिवा ए स्मार्ट बोलो इसमें वैसा कुछ भी नहीं आता है। हाँ, आपको स्मार्ट की फीचर्स मिलेगा, आपको कीलेस एंट्री जाएगा, कीलेस आप चला पाओगे, आपको की का झमेला नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये भी एक फीचर्स है। लेकिन भाई जिसको एक लो एंड सेंट्रिक वाला पिकअप चाहिए, मतलब जैसे ही आप थ्रॉटल करो वैसे ही गाड़ी पुल करे, लेकिन हीरो जूम बहुत सही गाड़ी है भाई। आई थिंक आप दूसरे और किसी का चैनल में वीडियो भी देखे होगे तो आपको पता चला होगा। एंड होंडा एक्टिवा से बात करें तो भाई एक्टिवा का नो डाउट इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है, हम कितने सालों से देखते हुए आ रहे हैं, डिकेड हो गया, 10 साल 15 साल का ऊपर का भी एक्टिवा भी अपने रोड को देखने को मिलता है। लेकिन हीरो जूम एक नया प्रोडक्ट है तो चलने में भी सही है, कोई इशूज़ नहीं लगा मुझे। एंड अच्छा लगा, बस एक चीज़ अच्छा नहीं लगा कि फ्यूल टैंक जो फिलर है, तो फ्यूल फिलर जो कैप है वो सीट हमें खोल के एक्सेस करना पड़ेगा। यही अगर एक्सटर्नल फ्यूल फिलर होता जैसे हमारा डुएट में आता है, मतलब सॉरी डेस्टिनी में आता है, या हीरो का जो मैस्ट्रो एज 125 उसमें आता है, अगर वैसा होता तो और बेटर होता, बट ठीक है हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते, बट ये चीज़ मुझे लगता है सुधारना चाहिए था, अदरवाइज़ ठीक है। देखो पुल जैसे मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ गाड़ी वैसे ही पुल कर रहा है, FI के साथ जो कैलिब्रेशन किया गया ना बहुत अच्छा किया गया, मतलब इन नो टाइम एट ऑल 50-55 तो आराम से कर रहा है मैं, आई थिंक स्पीड फील कर पा रहा हूँ। एंड इसमें आपको हीरो का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मिलेगा, वो है i3s, तो i3s क्या है, अगर जैसे i3s अभी ऑन है तो मैं अगर रुकता हूँ कहीं पे तो 10 से 15 सेकंड तक गाड़ी ऑन रहेगा, उसके बाद i3s का लाइट जलेगा और इंजन कट ऑफ हो जाएगा। फिर स्टार्ट करने के लिए मुझे स्टार्टर बटन नहीं देना पड़ेगा, जस्ट मुझे पीछे वाला ब्रेक लीवर को पुल करना पड़ेगा और थ्रॉटल को रेस करना पड़ेगा, उसके बाद आराम से गाड़ी चलने लगेगा। तो ये है i3s इन टर्म्स ऑफ स्कूटर फ्रॉम द हाउस ऑफ हीरो मोटोकॉर्प, तो चलने में बहुत अच्छा है, फोन भी बहुत ज़्यादा एलिजिबल है, तो गाड़ी चलने में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा। तो भाई हीरो जूम चलाने के मामले में ज़बरदस्त है परफॉर्मेंस, मुझे एक ऐसा पॉइंट है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हाँ भाई इस स्कूटर से आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो इन द सेगमेंट में, आपको सबसे अच्छा इसमें पावर टू वेट रेशियो मिलेगा, मतलब 0-60 आप बहुत आसानी से पुल कर लोगे, क्योंकि हीरो भी क्लेम करता है कि फास्टेस्ट 0-60 नंबर है इन द 110cc या इन द सेगमेंट, तो चलाने के मामले में सही है। हैंडल बार्स का जो फिट फिनिश है वो भी बहुत अच्छा लगा, स्विच गियर्स का क्वालिटी में हीरो ने बहुत इंप्रूव किया है, पहले इतना अच्छा क्वालिटी का स्विच गियर्स नहीं आता था। एंड टीवीएस का भी सही है, बट होंडा का भी मुझे सही लगा है, बट एक चीज़ बोलूँगा, देखो इसका मेन राइवल हो सकता है भाई होंडा डियो के साथ, क्योंकि वो भी थोड़ा सा यूथफुल ओरिएंटेड वाला स्कूटर है, ये भी थोड़ा सा यूथफुल ओरिएंटेड वाला स्कूटर है, चलने के मामले में दोनों ही बेटर है, ठीक है। होंडा डियो का भी स्टाइलिंग मोटर स्कूटर वाला है, इसका भी मोटर स्कूटर वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा यूथ ओरिएंटेड है, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा, आई थिंक आप देख ही रहे हो, तो चलने के मामले में ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस बहुत स्मूथ है। एंड जैसे अगर मैं थ्रॉटल पुल करता हूँ तो अभी स्पीडोमीटर कट किया हुआ है, तो न्यूली स्कूटर है फ्रॉम द हाउस ऑफ हीरो, तो देखो आराम से 55-60 तक तो आराम से ही जा रहा है, मुझे फील हो रहा है कि अच्छा से पेस मेंटेन कर रहा है। अगर मैं GoPro कोऑर्डिनेट्स यूज़ करूँगा तो आपको पता लग जाएगा। तो मुझे एक ही डिमेरिट लगा कि भाई इसका जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप है वो सीट के नीचे है यार, अगर एक्सटर्नल होता ना तो ये मस्त होता। एंड ऐसे भी ये मतलब इसका जो एलॉयज है, इसका एलॉयज का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको डायमंड कट एलॉयज मिलेगा, फ्रंट में आपको ऑफकोर्स दोनों टायर 12 इंचेस का मिलता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है। एंड माइलेज का बात करें तो भाई ऑफकोर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलता है 5.2 लीटर्स का, एंड माइलेज मान लो आराम से 45 तक मिलेगा, एंड अगर प्यार से चलाते हो विद इन 40-50 तो आपको आराम से 50 तक भी मिल सकता है। एंड स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारा जो दत्ता हीरो है दुर्गापुर मुची वाला ब्रांड, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था ऐसा वीडियोस बनाने के लिए,
तो अच्छा लग रहा है। एंड अगर आपको हीरो का कोई भी टू व्हीलर लेना है तो शोरूम का कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहेगा नीचे में, वहाँ पे आके आप चेक डाउन कर सकते हो। तो चलो आई थिंक आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। एंड हीरो जूम में भी आ चुका है BS6 स्टेज 2 इंजन विद इथेनॉल 20 अपडेट एंड OBD2। एंड स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा दत्ता हीरोज को, आई थिंक आप सामने में देख पाओगे। तो अगर आपको यहाँ से कोई भी टू व्हीलर लेना है तो आप आके ले सकते हो। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज मेरे सामने देख पाओगे ये दत्ता हीरो का मुचीपारा वाला ब्रांच है और यहाँ पे देख पाओगे, तो मैं सोचा कि चलो एक बार शोरूम का वॉक अराउंड रिव्यू देता हूँ। और यहाँ पे आई थिंक आप शोरूम में देख पाओगे यहाँ पे हीरो का हर एक टू व्हीलर आपको देखने को मिलेगा। इधर में आपको सब सर में मिल जाएंगे और यहाँ पे देख पाओगे हीरो का हर एक कैटेगरी में आपको सब कुछ शोरूम का हर एक व्हीकल्स मिल रहा है। तो आई थिंक आप यहाँ पे देख पाओगे और यहाँ पे सर भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देख पाओगे जूम सीरीज है, मास्ट्रो सीरीज है, प्लेजर है, जूम का हर एक कलर मिल जाएगा, डेस्टिनी भी मिलेगा, मास्ट्रो एज का भी 110-125 वाला वेरिएंट्स भी मिलेगा। इधर में आपको स्प्लेंडर भी मिल रहा है, आई थिंक आप देख पाओगे स्प्लेंडर मिल रहा है, ग्लैमर मिल रहा है, HF डिलक्स मिल रहा है, मतलब सब आपको इथेनॉल 20 वाला आई थिंक अपडेट भी आई थिंक आपको मिल रहा है। तो आई थिंक देख पाओगे तो लेटेस्ट जो भी वेरिएंट्स है सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सट्रीम सीरीज भी आई थिंक आपको देखने को मिलेगा और एक्सपल्स का जो 4 व्हील वाला बाइक है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको हीरो का कोई भी टू व्हीलर लेना है तो आप एक बार यहाँ पे आकर चेक डाउन कर सकते हो। मैं सोचा कि चलो वीडियो में ऐड कर देते हैं। एंड इधर में आई थिंक आप देख पाओगे एक्सपल्स का 4V वाला मॉडल भी मिल रहा है, 204V। यहाँ पे देखोगे आपको सुपर स्प्लेंडर का भी एक्सटेक मिल रहा है लेकिन इथेनॉल 20 वाला अपडेट आ चुका है। एंड यहाँ पे आपको हीरो का हर एक टू व्हीलर का आपको यहाँ पे लॉट मिल जाएगा। आई थिंक आप देख पाओगे जो सभी आपको हीरो का प्रोडक्ट लेना है आई थिंक आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको हीरो का नया बाइक मिलेगा जो कि है पैशन प्लस, जो OG वाला गाड़ी है, इसको मैंने कुछ दिन पहले टेस्ट राइड लिया, तो उसका भी वीडियो आप एक बार चेक डाउन करना। एंड चलो अगर आपको हीरो का कोई भी टू व्हीलर लेना है तो आप यहाँ से आके चेक डाउन कर सकते हो।